Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. Today we will start our remaining part of the unit number 9, which is mammals. Students, open your books, page number 35. So we start. Most mammals can only see in black and white. ज़्यादातर मैमल जो होते हैं वो सफ़ेद और काले दिखाई देते हैं. Many mammals have large ears which they can turn towards sounds. ज़्यादातर mostly जो mammals होते हैं उनके बड़े कान होते हैं जिससे वो आवाज़ को सुन सकते हैं, ठीक है ना. Bats fly around at great speed at night. जो चमगादड़ होती है वो बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी से रात को उड़ती है, चक्कर लगाती है. They send out high pitched squeaks. ठीक है, वो बहुत ऊंची आवाज में squeaks कहते हैं बच्चे चीखने को, चिल्लाने को. These sounds waves bonus of surface. कहते हैं कि these sounds waves, ये जो उसकी आवाज की जो लहरें होती हैं, bonus of surface यानी कि उसको वापस आती हैं सतह पर. एंड रिटर्न्स टू देयर ईयर्स एज इको, और वो इको की सूरत में उसके कानों तक दोबारा टकराती हैं. क्योंकि बच्चे रात को खामोशी होती है, इस वजह से जो बैट्स जब शोर करती है या वो आवाजें निकालती है तो वो उसके कानों तक दोबारा उसे महसूस होती हैं. दिस इज हाउ दे फाइंड देयर वे, इस तरीके से वो अपना रास्ता तलाश करती है. अबाउट एंड फाइंड देयर फूड, और अपनी खुराक तलाश करती है. एस्केपिंग फ्रॉम एनिमीज, किस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो अपने दुश्मनों से बचते हैं. अ मैमल्स शार्प सेंसेस हेल्प इट इन एस्केपिंग फ्रॉम इट्स एनिमीज. मैमल्स जो होते हैं उनकी शार्प सेंसेस होती हैं, वो उनकी जो हिस होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है और वो उस तरह उनको अपने दुश्मनों से बचाती है. सम मैमल्स आर बोल्ड एंड फाइट ऑफ देयर एनिमीज. कुछ जो मैमल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं और अपने जो दुश्मन होते हैं उनसे मुकाबला करते हैं. अदर्स आर टिमिड एंड रन अवे, जबकि कुछ जो है वो डरपोक होते हैं और वो भाग जाते हैं रास्ते से. द एंटीलोप एंड द इबेक्स हैव लॉन्ग लेग्स एंड can run very fast. एंटीलोप कहते हैं बच्चे हिरन को, एंड द एबेक्स कहते हैं पहाड़ी बकरी को. ये इनकी लंबी टांगे होती हैं, कैन रन वेरी फास्ट, और ये वो उनसे बहुत ज्यादा तेज दौड़ सकती हैं. दे यूज देयर स्पीड टू स्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स कहते हैं शिकार करने वाले को. इस तरीके से वो अपनी जो स्पीड होती है उसे शिकार करने वालों से के लिए इस्तेमाल करती हैं, ठीक है ना. अपनी स्पीड को इस्तेमाल करती हैं जब वो समझते खतरा महसूस करते हैं. तो व्हेन डेंजर इज फेल्ट, जब खतरा महसूस होता है, सम मैमल्स कम्स टूगेदर टू प्रोटेक्ट ईच अदर. तो जो मैमल्स होते हैं वो एक दूसरे के नजदीक हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे की हिफाजत करते हैं. एलिफेंट्स, डियर, बफेलोज एंड अदर मैमल्स स्टे क्लोजली टूगेदर इन हर्ड्स. कहते हैं कि ये जो एलिफेंट, डियर, बफेलोज होते हैं, ये जो मैमल्स होते हैं ये एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और एक रेवड़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. दे फॉर्म अ रफ सर्कल टू फेस देयर अटैकर्स. ये एक सर्कल बना लेते हैं, रफ सा सर्कल बना लेते हैं जिससे वो अपने फेस करते हैं, अपने हमला आवरों का फेस करते हैं. द यंग स्टे इन द मिडल ऑफ द सर्कल, और जो छोटे होते हैं उन्हें वो अपने सर्कल के दरमियान में खड़ा कर देते हैं. मैमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स इन वेरियस वे. मैमल्स अपने आप को मुख्तलिफ तरीकों से बचा सकते हैं. सम डिफेंड देमसेल्व्स विद देयर शार्प हॉर्न्स और एंटलर्स. कुछ जो है वो अपने आप को अपने तेज सींगों की वजह से महफूज बनाते हैं. मंकी मेक्स अ श्रिल नॉइज एंड शेक ब्रांचेस वेन देयर इज डेंजर नियर बाय. जब मंकीज जब देखते हैं कि कोई खतरा महसूस करते हैं तो वो आवाज, एक अजीब सी आवाजें निकालते हैं और वो अपने ट्रीज की ब्रांचेस को हिलाते हैं. इन दिस वे, इस तरीके से दे वॉर्न द अदर मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप. इस तरीके से वो अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर्स को जगाते हैं, उन्हें इतला देते हैं. प्राइमेट्स एंड मैमल्स विद लॉन्ग आर्म्स एंड टोज यूज देयर क्लाइंबिंग स्किल्स टू हाइड इन द ट्रीज. अच्छा बच्चे, प्राइमेट्स हमने पहले पढ़ा, ये आला मखलूक, ठीक है ना, बाकी मैमल्स से, जिसमें इंसान भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, और चिंपैंजीज, ये मंकीज वगैरह के लिए भी यूज होता है. एंड मैमल्स विद लॉन्ग आर्म्स, कहते हैं कि ये जो प्राइमेट्स होते हैं अपने लंबे बाजुओं के साथ, एंड द टोज यूज देयर क्लाइंबिंग, और अपने पाओं के साथ वो स्किल इस्तेमाल करते हैं, महारत से वो दरख्तों पर चढ़ जाते हैं और अपने आप को दरख्तों में छुपा लेते हैं. द पेंगोलिन हैज टफ हॉर्नी स्केल्स ऑन इट्स बॉडी. कहते हैं कि पेंगोलिन एक जानवर का नाम है, हैज टफ, उसका एक मजबूत हॉर्नी स्केल्स, उसके सींग जो होते हैं
हैं, स्केल्स होते हैं, मजबूत शक्ल के सींग जैसे होते हैं, उसके जिस्म पर होते हैं चीजें होती हैं उसके बॉडी पर. इट अटैक इट रोल्स इट सेल्फ इन टू अ टाइट बॉल. कहते हैं कि जब इस पर हमला होता है तो ये अपने आप को एक टाइट एक मजबूत बॉल की शक्ल में अपने आप को राउंड कर लेता है. द पोर्कुपाइन डिफेंड्स इट सेल्फ विद शार्प स्क्विल्स. इसी तरीके से पोर्कुपाइन जी कांटेदार जो जानवर है वो डिफेंस करता है अपने आप को डिफेंस करता है विद शार्प स्क्विल्स. उसके जिस्म पर एक कांटेदार कांटे कांटे नुमा चीजें होती हैं. अदर मैमल्स यूज द पैटर्न्स एंड कलर्स ऑन देयर बॉडीज ऑन टू हाइड फ्रॉम अटैकर्स. जो दूसरे जानवर होते हैं मैमल्स होते हैं वो अपने पैटर्न जो उनके जिस्म के नमूने होते हैं और रंग होते हैं उनके जरिए अपने आप को हमला आवरों से महफूज कर लेते हैं. अब नेक्स्ट पेज पे आए बच्चे अनयूजुअल मैमल्स. ठीक है ना, अनयूजुअल मैमल्स कैसे होते हैं, गैर मामूली जो मैमल्स आमतौर पर होते हैं. मोस्ट मैमल्स हैव इंटरेस्टिंग फीचर्स. कहते हैं कि ज्यादातर मैमल्स के बहुत ज्यादा दिलचस्प किस्म के फीचर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर एलिफेंट हैव लॉन्ग ट्रंक, एलिफेंट की लंबी सूंड होती है. पेंगोलियन हैव हॉर्नी स्केयर्स. पेंगोलियंस के ऊपर ये देखें ये आपको दिखाई भी दे रहे होंगे इस तरीके से कांटेदार उनके सींग से होते हैं, कांटे कांटे होते हैं. जिराफ हैज लॉन्ग नेक्स, जिराफ की लंबी गर्दन होती है. एंड हैव हम्स एंड कैमल हैव हम्स. और जो ऊंट होते हैं उनकी एक कुहान होती है. दे आर ऑल इंटरेस्टिंग इन डिफरेंट वे. ये सब बहुत दिलचस्प दिखाई देते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से ये दिलचस्प दिखाई देते हैं. टू मैमल्स विच आर. कहते हैं कि दो मैमल्स जिनमें से विच आर मोस्टली अनयूजुअल आर द डक बिल्ड. कहते हैं कि दो जो मैमल्स होते हैं जिनमें आमतौर पर एक डक बिल्ड है, प्लेटिपस एंड द इकेंडा और स्पिनी एंटीएटर्स. कहते हैं इकेंडा बच्चे जानवर का नाम है, मारखोर खरपुश. ये जानवर चूंटियां खाता है या फिर इसे हम और स्पिनी एंटीएटर्स और इसे हम कांटेदार जानवर भी कहते हैं. ठीक है ना, एंटीएटर्स कहते हैं बच्चे अफ्रीका का एक दूध पिलाने वाला जानवर होता है जो कि पिग से बहुत ज्यादा मिलता है. ठीक है ना, मोरखोर से बहुत ज्यादा मिलता है. नाइदर ऑफ दीज मैमल्स आर फाउंड इन पाकिस्तान. ये जो मैमल्स हैं ये पाकिस्तान में फाउंड नहीं किए जाते, पाए नहीं जाते. द फर्स्ट प्लेटिपस वाज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया इन 1797. पहला जो प्लेटिपस था वो 1997 में ऑस्ट्रेलिया में पाया गया. व्हेन साइंटिस्ट एग्जामिन्ड इट दे फाउंड दैट इट हैड अ फ्यूरी कोट लाइक एन ऑटर्स, अ डक लाइक बीक, अ टेल लाइक. कहते हैं कि जब ये साइंटिस्ट ने जब इसका मुआयना किया प्लेटिपस का, जब उन्हें पाया गया तो इट हैड अ फ्यूरी कोट लाइक एन ऑटर्स. ऑटर्स कहते हैं बच्चे बहरी जानवर को. ठीक है ना, ऑटर्स तो कहते हैं कि बहरी जानवरों की तरह इसके ऊपर एक फर दिखाई फर पाई गई. अ डक लाइक बीक और अ डक लाइक बीक और इसकी एक डक की तरह एक चोंच दिखाई दी पाई गई. अ टेल लाइक अ बीवर्स और इसकी एक टेल दिखाई दी लाइक अ बीवर्स. बीवर्स कहते हैं बच्चे संगे आबी. ये भी ओद बुलाओ ये एक जानवर का नाम है. ठीक है, एंड वेब्ड फीट. वेब्ड फीट कहते हैं बच्चे झिल्ली नुमा झिल्लीदार इसके पंजे भी पाए पांव पाए गए. ठीक है ना, साइंटिस्ट वर नॉट श्योर वेदर इट वॉज अ रेप्टाइल और अ बर्ड. साइंटिस्ट मतलब उन्हें यकीन नहीं था कि ये एक रेप्टाइल है या फिर ये एक रिंगने वाला जानवर है या फिर ये एक परिंदा है. एंड थॉट और उन्होंने सोचा इट हैड बीन मेड अप फ्रॉम पार्ट ऑफ अदर एनिमल्स. और उन्होंने ये भी सोचा कि हो सकता है कि ये किसी इट हैड बीन मेड अप फ्रॉम पार्ट ऑफ अदर एनिमल्स या फिर ये किसी दूसरे जानवर का कोई पार्ट हो. ठीक है ना, साइंटिस्ट ने सोचना शुरू कर दिया. द प्लेटिपस इज अ मैमल. प्लेटिपस एक मैमल्स है बिकॉज इट फीड्स इट्स यंग्स ऑन मिल्क. क्योंकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है. इट इज मोस्ट अनयूजुअल बिकॉज इट लेस एग्स. ये गैर मामूली है क्योंकि ये बच्चों को अंडे देते हैं. ये अंडे देती है बिकॉज इट लेस एग्स. ये अंडे देती है एंड इट्स बॉडी टेम्परेचर इज मच कोल्डर देन डेट ऑफ अदर मैमल्स. और इसका जो बॉडी का टेम्परेचर है ये ठंडा होता है. इसका बहुत ज्यादा कम होता है टेम्परेचर बॉडी का दूसरे एनिमल्स के की तरह. इट जैसे दूसरे एनिमल्स का हाई होता है ना बॉडी टेम्परेचर तो इसका बहुत कम होता है. इट लिव्स अलोंग द बैंक ऑफ रिवर्स. ये दरियाओं के किनारों पर पाई जाती है. द इकेडा और स्पिनी एंटीएटर्स लिव इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गुना.
ठीक है, ये कहते हैं कि जो ये जो एकेडना और स्पिनी एंटीएटर्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं एंड न्यू गुइनिया और न्यू गुइनिया में ये कंट्रीज नेम में पाए जाते हैं। इट इज कवर्ड इन स्पाइक्स, कहते हैं कि ये स्पाइक्स की सूरत में इनके ऊपर कांटे कांटे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्पाइक्स की सूरत में होते हैं। हैज क्लॉज एंड अ लॉन्ग स्नाउट, ये देख बच्चे आप देख भी रहे हो इस तस्वीर में, कहते हैं कि इनके ऊपर ये एंड क्लॉज इनके पंजे होते हैं एंड अ लॉन्ग स्नाउट, लॉन्ग स्नाउट और इनकी एक लंबी स्नाउट होती है। इट पिक्स अप ऑन एंड्स विद इट्स स्टिकी टंग, कहते हैं कि इट पिक्स अप एंड्स ये चुंटियों को पकड़ते हैं एंड विद इट्स स्टिकी टंग, स्टिकी टंग यानी कि एकदम उनकी जुबान से वो चुंटियां चिपक जाती हैं। इट इज ऑल्सो एन एग लेइंग मैमल्स, ये भी एक एग लेइंग मैमल्स है, यानी कि ये भी अंडे देने वाला जानवर है। तो बच्चे इसमें वर्ड्स मीनिंग्स देखें आप, पहले के टू वर्ड्स की तरफ बैट्स चमगादड़ स्क्विक्स निचोड़ना सरफेस सतह या यहाँ पे चीखना भी है, ठीक है ना। इकोस बाजगश्त स्केपिंग बचना बोल्ड बहादुर एंटीलोप हिरन टिमिड डरपोक इबेक्स पहाड़ी बकरी प्रीडेटर्स शिकारी हर्ड्स रेवर वेरियस वे बहुत से तरीके हॉर्न सींग, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आए टोज पांव की उंगलियां एंटीएटर्स मोरखोर जानवर है, टोज पांव की उंगलियां पेंगोलियन एक किस्म का जानवर, डिफेंस दिफा हाइट छुपाना फीचर्स खसूसियात हम्स कोहान डकबिल्स आबी परिंदा नायदर ना ही बीवर्स दो फिट लंबा कुतरने वाला जानवर, ठीक है। ये स्पिनी कांटेदार स्पाइक्स खील। अब बच्चे आपने क्या करना है, लर्न रीडिंग विद ट्रांसलेशन एंड वर्ड्स मीनिंग विल डन ऑन योर नोटबुक। अल्लाह हाफिज।